जय हिंद। आइए अभी हम पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है समझने का प्रयास करेंगे। यह जो है 1993 में पूछा गया प्रश्न पत्र है, ठीक है, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 1993 के क्वेश्चंस हैं और इस क्वेश्चंस को हम वन बाय वन रीड करेंगे और यह जानेंगे कि आखिर प्रीवियस ईयर PYQ में या फिर UPSC के द्वारा राजनीति शास्त्र और अंतर्राष्ट्रीय संबंध में किस प्रकार के जो है प्रश्न पूछे जाते हैं वैकल्पिक विषय में। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को इस नोट्स के माध्यम से रीड करेंगे। देखो पेपर वन सेक्शन ए, ठीक है, मेक अ क्रिटिकल कमेंट ऑन एनी थ्री ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 200 वर्ड्स इच। हमें लगभग इसमें चार प्रश्न हैं। क्वेश्चन नंबर देखो वन के अंदर ए बी सी एंड डी, ये चार प्रश्न हैं। इन चार प्रश्नों में किन्हीं तीन प्रश्नों के हमें उत्तर देने हैं। स्टैट क्लियर, ठीक है। 200 शब्दों की शब्द सीमा के अंतर्गत, तो क्वेश्चन नंबर वन ए हम पढ़ते हैं कि फोर नो लॉ और ऑर्डिनेंस इज माइटर देन नॉलेज। देखो प्लूटो एक बहुत बड़े राजनीति शास्त्र के दार्शनिक और विद्वान हुए हैं, उन्होंने कहा है कि जो भी नियम कानून है, ठीक है, या फिर ऑर्डिनेंस है जो कि अध्यादेश है, वह जो है ज्ञान से कभी भी ऊपर नहीं है, ज्ञान से श्रेष्ठ नहीं है। क्योंकि प्लूटो का जो अवधारणा है फिलॉसफर किंग का, आइदर द किंग इज ए फिलॉसफर और द फिलॉसफर इज अ किंग, यह जो अवधारणा है, ठीक है, कि दार्शनिक राजा हो या फिर राजा दार्शनिक हो, ठीक है, तो इस अवधारणा में किसकी महत्ता दी गई है, तो नॉलेज की, किसकी, ज्ञान की। फिलॉसफर का मतलब इन द सेंस कि वो दार्शनिक, मतलब, ठीक है, जो कि ज्ञानवान हो। तो प्लूटो कहना चाह रहे हैं कि ज्ञान से बढ़कर कोई नियम या फिर अध्यादेश नहीं है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर वन भी देख लेते हैं। ये कौटिल्य का स्टेटमेंट है, कौटिल्य चाणक्य का, कि मैटेरियल वेलविंग अलॉन इज सुप्रीम। जो मैटेरियल वेलविंग है वो अपने आप में सुप्रीम है। फॉर स्पिरिचुअल गुड एंड सेंसुअल प्लेजर डिपेंड अपॉन द मैटेरियल वेलविंग। देखो कौटिल्य चाणक्य अपने आप में एक प्रैक्टिकल और रियलिस्ट थिंकर थे, ठीक है। इनका कहना था कि मैटेरियल, जो मैटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, ठीक है, वह भी अपने आप में सुप्रीम है, वह भी सर्वोच्च है। क्योंकि बहुत सारे स्पिरिचुअलिज्म और अध्यात्म हम और सेंसुअल प्लेजर्स, मतलब कह सकते हो जो हमारी इंद्रिय सुख हैं, वह हम उस मैटेरियलिस्टिक कह सकते हो कि उपलब्धि की वजह से या फिर मैटेरियलिस्टिक चीज़ों के माध्यम से हम सेंसुअल प्लेजर्स वगैरह को अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कौटिल्य चाणक्य की अपनी एक रियलिस्टिक पर्सपेक्टिव है। क्योंकि देखो हर व्यक्ति त्यागी हो ऐसा जरूरी नहीं है। आप देखोगे तो पूरे समाज में कुछ लोग ही जो है के अंदर जो है त्याग की भावना होती है, अन्यथा तो 100 में 99 जो है मैटेरियलिस्टिक जीवन ही जीते हैं। तो मोर और लेस कौटिल्य यहाँ जो है प्रैक्टिकल चीज़ें बतलाते हैं, और इनकी अगर राजनीति या अर्थशास्त्र का अध्ययन करोगे तो बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिकल बातें आपको देखने को मिलेगी। एक बार मैं इस क्वेश्चन को फिर पढ़ देता हूँ कि मैटेरियल वेलबींग एलोन इज सुप्रीम एंड फॉर स्पिरिचुअल गुड एंड सेंसुअल प्लेजर्स डिपेंड अपॉन मैटेरियल वेलबींग, ठीक है, कौटिल्य चाणक्य। मतलब ये कहना चाह रहा है कि अध्यात्म हो या फिर सेंसुअल प्लेजर हो, ये मैटेरियल वेलबींग जब होगा, जब आप जो है मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जब आप इतने अमीर हो जाएंगे, रिच हो जाएंगे, तभी इन दोनों चीज़ों को आप अचीव कर सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर वन सी देखिए, वन सी जो है रूसो का कथन है। इसमें कहना चाह रहे हैं कि ओबिडेंस टू मियर इम्पल्स ऑफ एपेटाइट इज स्लेवरी। एक तो स्लेवरी का मतलब होता है गुलाम, जो आप लोग देखते होंगे कि व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को गुलाम बना रखा है। पहले होता था ना कि राजा महाराजे की जब लड़ाई होती थी तो दूसरे राज्य के जो सैनिकों को बंदी बना लिया जाता था, मतलब जो हार जाता था, हारे हुए सैनिकों को जो जीतता था, जीतने वाला जो है उसे बंदी बनाकर उसे गुलाम बना दिया जाता था, उसे बिना पैसा का काम करवाया जाता था, ठीक है। तो एक तो वो हो गया कि व्यक्ति गुलाम है, लेकिन तुम और हम और आप अपने आप में भी किसी चीज़ों का गुलाम है। वो किस चीज़ की गुलामी हम करते हैं, तो अपनी महत्वाकांक्षा की गुलामी करते हैं। हमें ऐसो आराम की ज़िंदगी मिले, गाड़ी हो, बंगला हो, मतलब हमारी जो इच्छाएं हैं, हमारी जो आकांक्षाएं हैं, हम उसके अधीनस्थ हैं, हम उसके गुलाम हैं। यही बातें यहाँ कही जा रही है, और ये रूसो का कथन है कि ओबिडेंस टू मियर इम्पल्स ऑफ एपेटाइट इज स्लेवरी। हमारी जो भूख है ना, उसके हम गुलाम होते जा रहे हैं, ठीक है, ये रूसो का कथन है।
अब क्वेश्चन नंबर 1D है, देखिए, द एंड ऑफ एविडेंस इज प्रोटेक्शन, थॉमस हॉब्स, या थॉमस हॉब्स का कथन है कि आज्ञा का खत्म होना एक प्रकार से जो है प्रोटेक्शन, देखो प्रोटेक्शन किस मायनों में, लाइफ एंड प्रॉपर्टी का प्रोटेक्शन हो, किस चीज़ का प्रोटेक्शन, यहाँ थॉमस कहना चाह रहे हैं, थॉमस हॉब्स, द एंड ऑफ ऑबिडियंस इज प्रोटेक्शन, कि जब भी आप जो है किसी के, ऑबिडियंस मतलब यहाँ होता है आज्ञा का पालन करना, अध्यादेश का पालन करना, तो जब भी आप एक राज्य में रहते हो या सरकार के अधीनस्थ रहते हो, किसी भी सोशल कॉन्ट्रैक्ट में जाते हो, तो आपको किन्हीं ना किन्हीं नियमों से जो है बंधना होता है, ठीक है। तो एक बार जब आप नियमों से परे चले जाते हैं, तब मतलब ये संभव कैसे, जब आपको कोई प्रोटेक्ट कर रहा हो, ठीक है, तब आप नियमों से परे जा सकते हैं, लेकिन जब आपको कोई प्रोटेक्शन नहीं हो तो आप नियमों से परे नहीं जा सकते, आपको उन नियमों का पालन करना ही होगा, ठीक है। आगे हम क्वेश्चन नंबर 1 का, चारों क्वेश्चन हो गया ABCND, अब क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 हम आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि इस्टीमेट द यूटिलिटी ऑफ द सिस्टम थ्योरी इन सोशल साइंस, देखो सोशल साइंस में एक सिस्टम थ्योरी है, इसके बारे में हमें पढ़ना है कि आखिर सिस्टम थ्योरी से क्या समझते हैं, सिस्टम थ्योरी से क्या अभिप्राय है, और सिस्टम थ्योरी से क्या तात्पर्य है सामाजिक अध्ययन में, सामाजिक शास्त्र में, ठीक है, सामाजिक विज्ञान में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें हमें इस्टीमेट द यूटिलिटी, इसके यूटिलिटी मतलब इसकी उपयोगिता पर हमें अपने बातों को रखना है कि इस्टीमेट द यूटिलिटी ऑफ सिस्टम थ्योरी इन सोशल साइंसेस, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 था। अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं कि एग्जामिन क्रिटिकली द प्लुरलिस्ट आर्गुमेंट अगेंस्ट द थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी, देखो संप्रभुता, संप्रभुता के बारे में आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि जब एक, जैसे अब भारत 1947 से पहले संप्रभुत्व संपन्नशाली गणराज्य नहीं था, भारत तो था क्योंकि भारत के पास अपनी जनसंख्या थी, सरकार भी था, लोग भी थे, भूभाग भी था, लेकिन हम अपने निर्णयों को लेने के लिए स्वतंत्र नहीं थे, हम जो है हमारे जितने भी सारे निर्णय थे वो अंग्रेज लिया करते थे। 1947 के बाद हम जब संप्रभुत्व संपन्नशाली गणराज्य हुए, तब संप्रभुता का मतलब है कि बेरोक बेटोक कोई उसका मालिक नहीं, वो स्वयं अपने आप में एक मालिक है, ठीक है, वो संप्रभुत्व संपन्नशाली है, वो किसी भी देशों पे आश्रित नहीं रहेगा, दे आर सोवरेन इन नेचर, कहने का मतलब है कि दे कैन टेक एनी डिसीजन, ठीक है, वाई आर सेल्फ, बाई योर सेल्फ और थाई सेल्फ, ठीक है, बिना किसी की प्रवाह की हम अपने निर्णयों को ले सकते हैं। जैसे अटल जी ने कहा कि हम परमाणु परीक्षण करेंगे, जिसको सैंक्शन लगाना हो लगाए, उसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है, ये चीजें हैं। आप जो है अपने निर्णय, अब जैसे कई बार देखो कनाडा वगैरह है या फिर जितने भी यूरोपियन नेशन वगैरह, ये सब भारत के ऊपर कमेंट करते रहते हैं, जैसे कश्मीर के इशू वगैरह पे, भारत कहता है ना कि ये हमारा अंदरूनी मामला है और भारत एक संप्रभुत्व संपन्नशाली राज्य है, इसमें बाहरी लोगों का, बाहरी देशों का या विदेशी लोगों को हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है, तो हम इसलिए कह पाते हैं क्योंकि हम सोवरेन हैं, हमारे द्वारा उठाए गए किसी भी एक कदम पर कोई भी लोग प्रश्न चिन्ह खड़ा करने का अधिकारी नहीं है, हमें अपनी संप्रभुता पर नाज है और हमें अपनी संप्रभुता कैसे इसकी यूटिलाइज करना है इसके बारे में आप लोगों को मालूम ही होगा। यहाँ पे जो प्लुरलिस्ट पर्सपेक्टिव है, देखो संप्रभुता के बारे में डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव है, एक लिबरल का हो गया, एक मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव है, एक फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव है, एक कंस्ट्रक्टिव पर्सपेक्टिव है, कम्युनिटेरियन पर्सपेक्टिव है, एक ग्लोबलिस्ट पर्सपेक्टिव है, ठीक है। तो हर चीज़ को पढ़ने और समझने के डिफरेंट डिफरेंट आयाम होते हैं, ठीक है, उस हिसाब से उस चीज़ को पढ़ा जाता है, समझा जाता है, और लोगों के अपने अपने मत और विचार होते हैं। यहाँ कहा जा रहा है कि एग्जामिन क्रिटिकली द प्लुरलिस्ट आर्गुमेंट अगेंस्ट द थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी, जो थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी है, जो संप्रभुता का सिद्धांत है, इसके अगेंस्ट में प्लुरलिस्ट थ्योरी ने क्या विचार रखे हैं, क्या तर्क दिए हैं, इसके बारे में आपको लिखना है। आशा करता हूँ कि यह प्रश्न समझ में आ गया होंगे सारे के सारे। यह प्रश्न था 1993 का, UPSC सिविल सर्विसेज पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन,
पेपर वन सेक्शन ए क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4। अब फोर क्वेश्चन शायद एक छोटा रह गया, इस क्वेश्चन को भी हम देख लेते हैं इसी वीडियो में, अगले वीडियो में हम सेक्शन बी का देखेंगे। देखो इसमें है कि एग्जामिन क्वेश्चन नंबर 4, एग्जामिन द मेन इशू इन्वॉल्व इन द चर्च स्टेट कंट्रोवर्सी एंड व्हाट वेयर इट्स कंसिक्वेंसेस। चर्च स्टेट कंट्रोवर्सी से आप क्या समझते हैं? एक समय था खास करके मध्यकालीन युग में, मेडिवल पीरियड में, कि जो चर्च की अथॉरिटी थी वो स्टेट की अथॉरिटी से अधिक पावरफुल था। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि मतलब उस वक्त ये खास करके जब मॉडर्न नेशन स्टेट को आप पढ़ोगे तो यूरोपियन स्टेट में भी देखोगे कि मध्यकालीन समय में मतलब मेडिवल पीरियड में जो चर्च की अथॉरिटी थी उससे नीचे था स्टेट और राज्य सरकारें। अब इस मॉडर्न टाइम में आप देखोगे तो राज्य के अधीनस्थ में सारे चर्च वगैरह आते हैं, राज्य जो है चर्च के लिए नियम बना सकती है, ठीक है, उसे उसे मानना होगा। अभी भी देखोगे तो चाहे भारत हो या अन्य जितने भी देश हैं, हाँ, जहाँ किंगडम वगैरह वहाँ छोड़कर, ठीक है, यह एक कंट्रोवर्सी है कि कैसे जैसे मैकेवली वगैरह आए, मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर वगैरह आए, तो कैसे उन्होंने जो है स्टेट को और राज्य को एकदम रिलीजन से अलग कर दिया। रिलीजन भाई एक पर्सनल मैटर का चीज़ है, ये लोग पर्सनली स्पिरिचुअलिज्म और अध्यात्म में जिनकी रुचि है वो धर्म की बातें करेंगे और मानेंगे। राज्य अपने आप में एक डिफरेंट सब्जेक्ट है, बस समझ में आया, ये सारी चीज़ें हैं, इस चीज़ को समझना है। और यही चर्च और स्टेट की कंट्रोवर्सी थी, क्योंकि जिसकी अथॉरिटी शुरू में जाने लगी वो तो हाई तौबा मचाएगा ही। और अभी भी आप देखोगे भले ही स्टेट और गवर्नमेंट अपने आप में पावरफुल है, लेकिन आज भी देखोगे तो कई बार जो है चर्च हो गया या मंदिर की जो है सीढ़ियों को सरकार के द्वारा चूमते हुए आपको देखने को मिल सकता है। क्यों? क्योंकि लोगों में उनके धर्म को लेकर करेज बहुत अधिक है, जो आस्तिक लोग होते हैं, और धर्म के प्रति लोगों की आस्था के कारण, क्योंकि वोट बैंक की पॉलिटिक्स होती है अगर डेमोक्रेटिक कंट्री है तो, उस ओर लोग आकर्षित अधिक होते हैं। ठीक है, यही बातें इसमें कही जा रही है। खैर, ये तो कंट्रोवर्सी है, चर्च और स्टेट की कंट्रोवर्सी क्या थी इसके बारे में यहाँ पर जो है हमें एग्जामिन करना है, क्या क्या महत्वपूर्ण इशू थे इसके बारे में लिखना है, और इसके परिणाम क्या निकले। परिणाम यह निकला कि चर्च या हो या रिलीजन हो, इसको अलग कर दिया गया, स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट नेशन को अलग कर दिया गया। ठीक है, और इसके बहुत सारे परिणाम हुए। अब देखोगे तो जो सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट जन्मा है यह इसी की ही उपज है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन बी, 4 प्रश्न बाकी है ये सेक्शन बी के, नेक्स्ट वीडियो में हम उसे समझने का प्रयास करेंगे। 1993 UPSC सिविल सर्विसेज पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन ऑप्शनल सब्जेक्ट। जय हिंद।